हेलो फ्रेंड्स, ब्रेव सेलर सीरीज में एक बार और आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे ब्रेव सेलर सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया है और हमारे सारे वीडियोस पे आप अपने व्यूज दे रहे हैं, आप अपने लाइक्स दे रहे हैं, बट कमेंट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करें ताकि हमको ये पता चले कि ब्रेव सेलर सीरीज में हम किस किस पॉइंट पे बेटर कर सकते हैं। So, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जहां पे एक और सेलर से उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस हम समझना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, ब्रेव सेलर सीरीज को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक और ब्रेव सेलर सीरीज आपके पास लेके आए हैं जिसमें हम विकास सर से बात करेंगे। इनका अमेज़न पे स्टोर नेम है साई बुक इंटरनेशनल। आइए इनकी ऑनलाइन जर्नी के बारे में जानते हैं, इनको क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनके पेन पॉइंट्स क्या रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या रहे हैं, इनकी वर्किंग कैसी रही है, फ्यूचर में कैसे देखते हैं अपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, करियर वाइज कैसे देखते हैं, सारी चीज बात करेंगे। तो एक और चीज इनपुट देना चाहूंगा कि ये बुक सेलर है, तो जो भी सेलर्स जो अपने आप को बुक सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो प्लीज इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। हो सकता है वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल और कामगार रहे और इस वीडियो के मदद से आप ही शायद ऑनलाइन सेलर बन जाए। तो सबसे पहले सर धन्यवाद बिग फैक्शन को इतना समय देने के लिए और मुझे समय देने के लिए सर इस इंटरव्यू में आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मेरा सवाल यही है कि सर आपने ई कॉमर्स बिजनेस कब स्टार्ट किया पहला? सर मैंने ना 2016 में स्टार्ट किया था। चलो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर मेरे ना एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था, मैंने 2016 में स्टार्ट किया था इसे। अच्छा, तो कितने दिन पहले से स्टार्ट किए होंगे? सर हो गया मेरे को 2016 से, आप जोड़ लीजिए। तो सर आप 7 साल से सेलर हैं? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात सर। तो जब जीएसटी नहीं आया था तब से आप सेलर हैं? हाँ जी सर। तो जीएसटी से पहले टिन चलता था जब से ही। इसलिए मैं ये बात बोला बिकॉज आप दो टाइमलाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलर है। दो टाइमलाइन मतलब कि सर, एक टाइमलाइन जब जीएसटी आया, दूसरा टाइमलाइन जब लॉकडाउन आया। हाँ जी सर। तो सर दूसरा मतलब ये मैं फिर से इसको बोलता हूँ सर, आप दो टाइमलाइन पे सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलर है, एक जब जीएसटी आया और दूसरा जब लॉकडाउन आया, राइट सर? तो ये बताइए कि सर जब जीएसटी आया तब आपको बिजनेस करने में कुछ प्रॉब्लम आई सर? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मेरा ना जीएसटी से कोई रिलेटेड ही नहीं है। बिगर जीएसटी का मैं बेचता हूँ, जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है मेरी। तो ये सवाल मेरा आपसे पूछने के लिए था कि ऑडियंस को बताऊं कि अगर आप बुक्स के सेलर हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप पैन कार्ड से भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो सर इसमें एक अगला कहानी है सर कि इन सारे कैटेगरीज में आपने बुक्स की कैटेगरी को ही क्यों सेलेक्ट किया सर ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए? सर मैं ना बुक्स में काम भी करता था और मुझे बुक्स की नॉलेज भी थी, इसलिए मैंने बुक्स कैटेगरी चूज किया था। अच्छा, तो ये आप इतना दिन से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नॉलेज भी पहले था। 2016 से पहले आप ऑफलाइन भी रिलेटेड थे सर बुक्स की कैटेगरी में? हाँ जी सर, 2016 से पहले मैं जॉब करता था, बुक्स लाइन में जॉब करता था मैं पब्लिशर के पास। ओके, अब इसमें एक बहुत अहम सवाल है सर, अभी आप अमेज़न के अलावा और भी कोई पोर्टल्स पे आप सेलर हैं सर? हाँ जी सर, मैं अमेज़न के अलावा फ्लिपकार्ट पे भी सेल करता हूँ। पहले स्नैपडील पे करता था लेकिन स्नैपडील पे रिटर्न ज्यादा है तो उस पे मैंने बंद कर दिया। ओके, तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट है ये दो कैटेगरी, राइट सर? हाँ जी सर। नेक्स्ट सवाल है इन्वेंटरी पे, मैं बात करना चाहूंगा, बहुत ही अहम सवाल है कि बुक्स की लाइन में मुझे भी पता है कि इन्वेंटरी की कोई लिमिट नहीं है, इन्वेंटरी तो बहुत है, ये एसक्यू में बोल सकता हूँ कि लाखों में एसक्यूज है। आप कैसे एसक्यू को सेलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस एसक्यू को बेचना शुरू करते हैं या इस एसक्यू को अपनी इन्वेंटरी में ऐड करते हैं? सर देखिए, पहले तो मैं मैपिंग करता था, ठीक है ना, जैसे कि पब्लिशर से कैटलॉग लेता था, कैटलॉग वो एक्सेल में भेजते थे तो वो मैपिंग करता था मैं, ठीक है। अब जो है मैं मैपिंग बंद करके कुछ अपना ही कर रहा हूँ, जैसे इंपोर्ट वगैरह की किताबें होती है ना सर, मेरे पास लिस्ट आती है, बस वही किताबें मैं लिस्ट करता हूँ। ओके, तो वो कैटेगरी आप मतलब कि बहुत ही लिमिटेड आपके पास जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास आपके पास सब कुछ है जो आप अमेज़न को क्वेश्चन करने पे दे सके, आप वो प्रोडक्ट्स पे आप सेल करते हैं ताकि फालतू में अगर अमेज़न पे कोई एस्केलेशन आया, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आया तो अकाउंट बंद ना हो जाए। हाँ जी सर, क्योंकि बीच में ना मेरा 2 बार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। बिल्कुल, तो मैडम ने खुलवाया था। जी जी सर। तो सर इस पे अगला सवाल आपसे यही है कि बुक्स की कैटेगरी में सर पैकेजिंग कैसे करते हैं? बुक्स ऑलरेडी हैवी होता है सर, भारी होता है, तो
पैकेजिंग पे ध्यान कैसे रखते हैं कि फटे नहीं, कुछ मुड़ ना जाए, मुड़ जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा, तो पैकेजिंग पे ध्यान कैसे रखते हैं ताकि कस्टमर को। सर पहले तो हम बुक पे ना लेमिनेशन करते हैं, ठीक है सर, लेमिनेशन के बाद उसपे एक बबल रोल आता है जो बबल सिंक्रेप होता है, ठीक है, उससे पैक करने के बाद उसपे फिर गत्ता चढ़ाते हैं जिससे बुक डैमेज नहीं होती, जाने में भी आने में भी। ओके तो जैसे बहुत सारे सेलर्स का ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बुक्स के सेलर का कि बुक्स जो होती है ऑलरेडी हैवी होती है, मान लीजिए कि बुक्स में पेजेस ज्यादा है तो हैवी हो गया, लेकिन डायमेंशन वाइज तो 500 ग्राम्स के अंदर आती है, तो आप शिपिंग कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हैं? सर एक्चुअली क्या है, अमेजोन पे ना डायमेंशन वगैरह तो पहले से ही मेंशन होता है, जिसका नहीं होता उसको हम नाप के डालते हैं, वैसे कोई इशू नहीं इसमें। तो वो ऑलरेडी प्राइसिंग में इंक्लूड करके डालते हैं कि सर का उसका शिपिंग कॉस्ट अलग लेते हैं आप? नहीं सर प्राइसिंग में इंक्लूड करके, मैं शिपिंग फ्री है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ही ऑडियंस ज्यादा फ्री चीज ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जहां लगता है कि ओके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लग रहा है तो वो उनको लगता है कि इतना पैसा तो मैं खुद ही मार्केट में जाके ले आऊंगा जो हाँ जी सस्ता सर, है। बिल्कुल, हाँ जी सर। तो सर इस पे अगला सवाल आपका यही है कि इतना सारे बुक्स बेचे हैं सर, अभी तक आपने अप्रोक्सीमेट 2016 से लेके अभी तक सर कितने नंबर ऑफ बुक्स आपने सेल किया होगा? सर अब तक मैंने 20,000 से ऊपर किताबें सेल कर दी होगी। ओके, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा बुक होगा सर? सर सबसे ज्यादा कॉमन सर नोबल होता है, नोबल है कि दिन में सर 1,000 कॉपी के ऑर्डर आते हैं जब रिलीज होता है ना नोबल, तो जी एक जी ही सर। दिन में 1,000 कॉपी का आराम से ऑर्डर आ जाता है ऑलमोस्ट। ओके, अब जैसे कि प्रोडक्ट जा रहा है सर तो रिटर्न्स भी आते हैं, तो हाँ जी सर, रिटर्न में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बुक्स दूसरी बुक आ जाती है, बुक डैमेज करके लोग भेजते हैं, पहली वाली बुक भेज देते हैं, या बुक ही नहीं रहता, कुछ बदल ही जाता है, क्या नहीं सर, एक्सपीरियंस? 100 में से 5% जो है आप पे रोंग आता है, 100 प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसमें 5 प्रोडक्ट आप पे रोंग आएंगे, बाकी सब ठीक ही आता है। अभी रोंग क्या था, जो पिकअप उठाते हैं यही फाड़ देते हैं कई बार, हाँ, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है, तो तो वहां आप सर हम सेफ्टी के लिए मारते ना, सेफ्टी के लिए मार के उनको बताते, फिर हमसे वीडियो वगैरह मांगते, अगर जो हमारी वीडियो होती तो देते, नहीं तो कोई बात नहीं। यस सर, तो ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सेफ्टी क्लेम क्या होता है, कि जब भी आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न पे आता है, या Amazon Flipkart पे SPF क्लेम बोलते हैं, जब भी आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न में आता है, इसका वो मतलब होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो, डिफेक्टिव हो, तो आप डायरेक्टली उस पोर्टल पे फोटो डाल के क्लेम कर सकते हैं और आप अपने डैमेज का प्रोडक्ट का वैल्यू आप वापस ले सकते हैं इस मार्केट प्लेस से, करेक्ट सर? हाँ जी सर, ओके, सर नेक्स्ट सवाल है, बट हाँ अब आ रहा है सर, अब आ रहा है सर, तो एक अहम सवाल सर इसमें से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में से सर आप कौन सा पोर्टल पे ज्यादा पसंद करेंगे और क्यों? सर अमेजोन ज्यादा अच्छा है, फ्लिपकार्ट पे भी रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अमेजोन पे रिटर्न ना के बराबर है। अच्छा, तो फ्लिपकार्ट पे आपको क्या लगता है, जो ऑर्डर्स आते हैं वो जेन्युइन बायर्स के रहते हैं कभी कभी, या नहीं कभी सर, कभी फ्लिपकार्ट पे फॉल्स भी ना होते हैं? जेन्युइन बायर्स के होते नहीं होते एक्चुअली, इसका तो मैंने कभी पता नहीं किया अपने, क्योंकि ना सर महंगा ऑर्डर था वही सिर्फ वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम उससे वेरीफाई करें। फ्लिपकार्ट पे रिटर्न ज्यादा है, फ्लिपकार्ट में आप 100 बेचे उसमें 25 तो आप पे रिटर्न आएगा, अमेजोन पे 100 बेचे उसमें 10 रिटर्न आएगा, अमेजोन पे रिटर्न करना फ्लिपकार्ट पे ज्यादा है। तो सर आप ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं सर बिजनेस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर ऑनलाइन मेरी वाइफ मैनेज करती है, ऑफलाइन मैं ओ, मैनेज करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सर कि आप ये किए, बिकॉज़ फैमिली में ही बिजनेस आए तो सर उससे बेटर कुछ नहीं है, और अपने काउंटर पार्ट पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के सर एक बहुत अच्छा होता है कि वो भी बिजी हो, उनका भी एक्सपर्टीज काम पे लाए, तो डेफिनेटली सर। पैकेजिंग क्या आप लोग खुद ही बैठ के करते हैं कि उसके लिए बंदे नहीं रखे सर, हैं? पैकेजिंग के लिए मैंने लड़का रख रखा है। हाँ तो स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब खुद पैक करते थे कि तब भी सर सर, इंटरेस्ट? उस टाइम मैं खुद पैक करता था, उस टाइम मैं भी और मेरी मम्मी वगैरह भी पैक कर दी थी उस टाइम। बिल्कुल सर। सर जब लॉकडाउन आया तो हम लोग ने देखा एक ई कॉमर्स पे एक बूम आया, मतलब कि ई कॉमर्स पे लोग ट्रस्ट भी करने लगे, या सिर्फ ये भी था कि सिर्फ ई कॉमर्स ही उस समय था तो लोगों को मजबूरी उसको यूज भी करना पड़ा। आपका क्या एक्सपीरियंस था कि क्या लॉकडाउन से ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला है सर? सर लॉकडाउन से भी ग्रोथ भी काफी सारी मिली है सर, देखिए जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन आया था तो ई कॉमर्स भी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, उसके बाद धीरे 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 खोला, तो फिर उस टाइम ना ऑर्डर भी काफी हो गए थे क्योंकि मार्केटें सारी बंद थी, तो लॉकडाउन में मान लीजिए कि जो उस टाइम 50,000 का जो ऑर्डर आता था उस टाइम 2-2, 3-3 लाख के ऑर्डर आ रहे थे, पर उस टाइम ना मैनेज करने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि डेली आ रहा है डेली जा रहा है। सर ये एक बहुत अहम सवाल है सर, बहुत सारे सेलर्स जो सेकेंड लॉकडाउन में एक्टिव थे उनका ये है कि मेरे ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, तो आपके साथ भी क्या एक्सपीरियंस ये था कि उस समय आपके ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ज्यादा 2x 3x 2 गुना 3 गुना बढ़ गया था, और आप मैनेज कैसे किए थे उसको? सर उसके लिए ने फिर मैंने कई बात की थी
उनसे मैंने पास लिया था ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर वही मैं जो कंपनी थी, कंपनी से टाइप कर रखा था, मैं उन्हें फोन कर देता, माल पहुंचाते थे, फिर यहाँ लड़के पैक करवा के भिजवा देता था। सर एक सवाल सर, बिग फैक्शन से आप कैसे जुड़े सर, और हम लोग आपका कौन सा प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व किए सर? सर बिग फैक्शन से मुझे काफी टाइम हो गया। मैडम मैडम से मेरे पहले भी एक अकाउंट और था जो कि बुक पब्लिकेशन हाउस के नाम से था। वो जब मैं स्टार्ट किया था ना, जब से चला रहा था, तो जब वो बंद हुआ था ना, उसके बाद मैंने सर्च किया था तो आपका नाम भी आया था, आपकी टीम का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, फीडबैक भी आपको सही मिला हुआ था। जब से बिग फैक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। सर वेबसाइट के थ्रू आप अपना सेलिंग का प्लान रख रहे हैं कि इतना मैं बिजनेस अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कर रहा हूं, अगर खुद के वेबसाइट पे रखूं तो कहीं ना कहीं और थोड़ा जो बिजनेस वो बढ़ेगा, ऐसा भी थॉट है सर वेबसाइट को लेके? नहीं सर, हमने एक वेबसाइट बनाई थी, रिपिनो डॉट इन करके हमारी वेबसाइट भी है। सर एक्चुअली क्या है ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लोग भरोसा करते हैं, और जो आजकल तो फेक वेबसाइट है बहुत सारी चल रही हैं, आपको तो पता ही होगा, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया। अच्छा, तो आपने ट्राई किया था सर वेबसाइट से? हाँ जी सर, ट्राई किया था, हमारे पे हमारी खुद की वेबसाइट है रिपिनो डॉट अच्छा इन के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर से बताइए क्या है वेबसाइट का नाम? RIPINO रिपिनो डॉट इन। RIPLA.RIPINO.IN। ओके सर एक सवाल और आपसे पूछूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जैसे आपने बताया ऑफलाइन आप संभाल रहे हैं, वाइफ को आपने मैम को आपने रखा हुआ है ऑनलाइन के लिए, तो फ्यूचर में आप ऑनलाइन को कैसे देखते हैं सर, करियर के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं, ये आपके लिए कितने कामगार हो सकता है? सर देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में सोचा नहीं हूँ, जब तक चल रहा चला रहा, बाकी कुछ और नया फ्यूचर आता तो फिर देखते हैं उसके उस हिसाब से। कुछ और बिजनेस प्लान भी है सर ई कॉमर्स को लेके कि फिलहाल सर बुक्स पे ही आप हैं, क्योंकि नहीं सर, स्टेशनरी क्योंकि सर मेरा काफी सारा टाइम बुक्स पे ही है, तो सर मैं किसी और चीज पे जाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब बुक्स में ही मैं आगे बढ़ूंगा तो उसमें और ज्यादा सक्सेस का उम्मीद है। बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आप अपना इतना समय दिए सर हमसे जुड़े आप। उम्मीद करता हूँ सर और भी मीटिंग हम लोग करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे सेल्स पार्ट पे, बट फिलहाल आज के लिए सर थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़े रहने के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका आज ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ कमी लगती है या लगता है कि ये फीचर हमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके कमेंट्स पे वर्क जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सबसे पहले हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।